श्री गुरु वंदन करी श्री हरिदास विपुल प्रेम निज नेम गहि कहि सुजसु विहारिंदा गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद आहि श्री विहारिदास श्री हरिदास को जीवत है मुकुचाय बिगरी लें संहार के मेरी कुंज विहार नवाल और न ऐसो कर सके अपने को प्रतिपाल अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खोय श्री कुंज विहार इन लाडली तुम ते सब कछु हो मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी ही तो प्राण जान न दीजो जगत में परसों पद सुखदान जो बिगरे गिराबरी होई भगत उपहास ताते तुम सो कहत हूँ ऐसे आपने पास भूल छुड़ाओ लाडली समझ दियो भरपूर यह बात तिहारी हाथ है मेरी सजीवन मूल मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हाथ श्री विहारिदास को अवनयान गते तुमरे चरण कमल मम्मा मम मनो हरिदास पदाम्बुजे बसतु सर्व दुराश विनाश के तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे बपुरिदं विपुनान तु यातु मे मूर्धना नमामो हरिदास पादम वाचा बदामो हरिदास नाम पश्याम द्रगव्याम हरिदास मूर्ति साधो न विदभो हरिदास तोन्यम साधो न विदभो हरिदास तोन्यम सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतन मनस श्री हरिदास निस्दोष आँखों जय श्री वर विहार नंदा श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विद विषम नाखों धन्य सोई शीष श्री हरिदास चरण वंदन करें नैन श्री हरिदास के रूप राखों नैन श्री हरिदास के रूप राखों परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार निर्वदनिक्त विहार प्राकट्य करता अखिल माधुर्य एक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनन रप्ति श्री स्वामी हरदाजू महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके विहारी विहरन श्री धाम वृंदावन चंजू आचार्य जन गुरु जन प्रेमी जन रसिक जन श्री हरदास भक्त जन
प्रेमी जनों, श्री आचार्य चरण हम दासों को अहम भाव के लिए बार बार कहते हैं। अहम भाव साधना करते हुए भी अगर है तो युगल का जो नित्य सुख है, हरि की मनोभावनी जो भक्ति है, वृंदावन का जो नित्य सुख है, कदापि हृदय में विराजमान नहीं होगा। वृंदावन वास भी कर रहे हैं, अहम भाव है, अहम भाव में स्थित हैं, तो बात नहीं बनेगी। सुने अहंकार भला न भिया, काहे को दुख सुख मान, तो प्रयत्न बिना दिया। बुद्धि विवेक भजन भर राखत, मोहन हेरिया। श्री बिहारी दास प्रभु कियो सुमान्यो, यूं जग जान जिया। आचार्य चरण श्री स्वामी विहारेन्द्र जी महाराज हम दासों को बता रहे हैं, भैया अहंकार करना अच्छा नहीं। दुख सुख तुम जो मानते हो, सुख की प्राप्ति कभी दुख की आना होता है, दुख का, दोनों ही में अगर हम विचलित होते हैं, ये अहम भाव ही है, अहम भाव ही है। दुख में रोना भी अहम भाव है, और सुख में नाचना, मदमस्त होना, अनेक ऐसी क्रिया करना उद्दंड तरीके से, ये तो अहम भाव है। लेकिन दुख में रोना भी अहम भाव है, सुख्यम अहम है। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय में पराजय में समभाव, तभी प्रभु की प्राप्ति होती है, तभी प्रभु की प्रसन्नता होती है। अपने कोई दुख है, इष्ट के अलावा और किसी से मत कहो। और सुखों के लिए सही साधक अपने सुखों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, सहज हरि के समर्पण ही प्यारे। ज्यों ही तुम राखत हो, जैसे आप चाहो वैसे राखो, ये समर्पण भाव का। महाराज श्री मोहन हेर हिया, अरे बाबरे, बुद्धि में संत गुरु आचार्यों के द्वारा प्रदत्त अथवा मनुष्य जन्म के द्वारा प्रदत्त जो हरि के संबंध में विवेक है, उस विवेक को अपने हृदय स्थल में विराजमान करके मोहन हेर हिया युगल की रूप माधुरी का अवलोकन अपने हृदय कमल में करो। दूरीकरण नहीं, हमारे प्रभु, हमारे बिहारी बिहारन, हमारे संग हैं। बिहारी दास प्रभु किया, मुझे जग जान जिया। जो प्रभु करते हैं वो ही उनको छा जाए है, हमारे करने से कुछ नहीं। ये बात जो हमसे करा रहे हैं, जो प्रेरणा कर रहे हैं, जो कुछ उनकी इच्छा से हो रहा है, अपना अहम भाव बिल्कुल नहीं, सेवक भाव, दास भाव अपना। बिहारी दास प्रभु कियो सो मानो, बिहारी दासों के अंदर ये समर्पण भाव होता है, और संसारी जीवों के अंदर ये अहम भाव होता है। बिहारी दास कहते हैं प्रभु कियो सो मानो, प्रभु ने जो किया वो हमको स्वीकार है, जैसे राखें वो हमको स्वीकार है, जैसे राखें।
बिहारीदास प्रभु कियो सो मान्यो, यूं जग जान जिया। संसार में अनुगत जन ऐसे जीते हैं जैसे आप राखो, अपने आप को प्रभु के लिए बेक दे देते हैं। जैसे किसी ने अपने घोड़े को किसी को बेच दिया तो उसके दाने की घास की सारी बात चिंता खरीदने वाले को है, बेचने वाले को नहीं। उसी प्रकार अनुगत ये दास इसने अपने आप को अपने आराध्य के लिए सौंप दिया है तो फिर चिंता का ये बात। जैसे जैसे वो प्रेरणा करें, जो कर्तव्य सामने लावें, जो क्रिया सामने लावें, जैसे उसको निभाते चलो और परिणाम में दुखी सुखी मत हो, परिणाम में सावधान। ये आचार्य मन हट छाड़ दे में। भगवान गीता जी में भी तो कहते हैं ना, कर्मण्डे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा संगो अस्तु कर्मणि। कर्म करने का अधिकार है, फल में नहीं। फल के कारण फल के हेतु के में रह के स्थित और अकर्मण्य होता है तो अकर्मण्य भी नहीं होना चाहिए। बोले कि फल तो हमको चाहिए ही नहीं, फिर कर्म क्यों करें, सेवा क्यों करें, क्रिया क्यों करें। अकर्मण्य नहीं होना है और हो भी नहीं सकते, कुछ न कुछ तो करोगे। शरीर से नहीं करोगे तो मन से करोगे, सोचते रहोगे। अकर्मण्य नहीं होना है शरीर से, सेवा भाव। लेकिन फल में प्रसन्न रहना चाहिए, जैसे आप चाहें प्यारे। ये शरणागति का स्वरूप है और संत महापुरुषों के द्वारा ये विवेक प्राप्त होता है अथवा हरि के शब्दों के माध्यम से। मन हट छाड़ दे मेव, कुटिलई अविवेक बूढ़त बिकट बाकी ते। हे कुटिल, तू अहंकार बुद्धि को छोड़ दे। अहमेव मन, अरे मन, कुटिल मन, अनंत जन्मों से तू अहम भाव में स्थित है, इस अहंकार को समाप्त कर। अहंकार का मतलब क्या है? अहंकार, मैं करता हूं। करता कौन है? नियंता भुक्ता और है कोई? तू क्यों पावत दुख रोई? तू क्यों दुख पा रहा है भाई? कर्ता और भोगता तो कोई और हैं, हमारे इष्ट हैं। कुटिल अविवेक, हे कुटिल अविवेकी, बूढ़त बिकट बाकी टे। बार बार अनेक जन्म लिए, समझ में तेरी में नहीं आ रही, बार बार डूब जाता है तू गर्त में, संसार सागर में बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है, अहम भाव को नहीं छोड़ रहा है। ये अहंकार ही विनाश की जड़ है, अहंकार विनाश की जड़। भजन साधना करते कराते भी ये अहम जो है सबको खा जाता है, प्रभु से नहीं मिलने देता है। अहम भाव नहीं, चाहे साधन कमजोर है, अनेक अवगुण हैं, हे प्यारे मुझे आप संभाल लो, मैं कुछ नहीं, मैं आपका एक सबसे छोटा किंकर हूं, आप संभालो, आप समझ, जैसे जैसे आप। ये थोड़ा भी साधन होगा लेकिन शरणागति स्वरूप, एकमात्र अपने अंदर कुछ नहीं है, प्यारे मैं आपका हूं, आपका हूं, तो जीत जाओगे। और बहुत साधन करते कराते भी, और यदि ये भाव है मैं करता हूं, मैं साधन, मैं भजनानंदी, मैं ये कर्म, मैं ये सेवा, हार जाओगे बाजी, हार जाओगे। सेवा खूब करनी है, भजन खूब करना है, साधन खूब तत्परता से, लेकिन इतना भी अहंकार नहीं होना चाहिए, तब जीतोगे। बात साधन से गर्ज को समझते हैं प्रभु, लेकिन गर्ज को समझते हैं लेकिन उस साधन में तुम अहम भाव मत करना। प्रभु अपनी कृपा से मिलते हैं, साधन से नहीं।
प्रभु कृपा से मिलते हैं, लेकिन साधन करना क्यों अनिवार्य है? वो गर्ज को देखते हैं, शरीर मिला है तो ये साधन ही होनी है। साधन पासे लागो धाय तो क्रम क्रम कर सब गया है। ये मलिन बुद्धि है ना, अनंत जन्मों की इसको अहम भाव की टेप पड़ी हुई है, तो ये साधन करना अनिवार्य है शरीर से। हेतु जाने कहत तोषों भेद या निज भेव, मैं जो है तेरे हित की बात कर रहे हूं आचार्य श्री, तू या भेद को समझ ले या निज बात को समझ ले, निज भेद को समझ ले, अहंकार को छोड़ दे, नहीं तेरे सारे साधन शून्य हो जाएंगे। एकमात्र नाम जाप और हे प्यारे मोय भरोसो स्वामी जी को आप जानो। विषय तनु वैराग कर अनुराग हरि की से, विषयी तन है अनंत जन्मों से, विषयों के पल्ले पड़ा है, राग द्वेष निंदा स्तुति ये सब, और संसार के विषय काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, इसमें जो है फंसा हुआ है। तू बैराग कर, बैराग से बाद में अनुराग बनेगा। बैराग कर, त्याग कर, बैराग कर, अनुराग कर, फिर उपरति बिहारी विहारण तब प्राप्त करेंगे, प्राप्त होंगे तुझे, और तू अनुरागी बन जाएगा, चिंता मत करे। लेकिन पहले बैराग करना है। भगवान कहते हैं गीता जी में, हे अर्जुन असंशयम मावाहो मनोदुर निग्रियम चलम अभ्यासेन तो कौनते वैराग्यण गृहते। अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा ये मन, चंचल मन निश्चित ही बस में हो जाएगा, चिंता मत करो। गुरुओं के बताए हुए मार्ग का अभ्यास और संसार के भोगों से वैराग्य क्रमशः निश्चित वस्तु प्राप्त हो जाएगी। विषय तनु वैराग कर अनुराग हर की सेव, अनुराग कर, सेवा कर, सेवा भाव, निष्काम सेवा, निष्काम रति। ब्रह्म शेष सुर असुर शिरोमन वंदने अंते, ब्रह्मा शिव शेष समस्त सुरों के वंदनी, असुरों के वंदनी, शिरोमणि श्री हरि, इनकी सेवा कर, इनकी पूजा कर, इनके श्री चरणों में अनुराग कर। सामरो सत्य भाई भजे, और सत्भाव से जो को सांचो सन्मुख भयो दीनो नित्य व्यार। क्रिया का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व अपने आप को समर्पण करना, शरणागति अनन्य आश्रय का है। क्रिया तो करनी है, भजन करना, ये सब सेवा करना, लेकिन क्रिया से भी ज्यादा महत्व क्या है? अनन्य आश्रय, सतत चिंतन, सतत नाम जप। महाराज कहते हैं अनन्य चेतहा सततम यो माम स्मृति नित्य सह तस्याहम सर्वः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अनन्य भाव से मेरा चिंतन, तो निश्चित ही वस्तु हस्तामल हो जाएगी। श्यामरो सति भाय भजे नव कुंज देवी देव, सद्भाव से ये श्यामल गौर लाडली लाल इनको भज, स्वामी जी का नाम जाप कर, वृंदावन जी को आश्रय ले, संतन के द्वारा सत्संग सुन, बात बन जाएगी। नव कुंज देवी देव, नव निकुंज मंदिर में बिहारी बिहारिन देवी देव, ये बिहारी बिहारिन उनको चिंतन मनन, जुगल किशोर चरण चिंतन बिन
सुख संतोष न पाइए। सुख संतोष एकमात्र बिहारी बिहारन के चरणों का चिंतन। लड़े तो जीव तेरे चरण महासुखदाई, इन्हें निरख लाल भये प्रीतम करत केल मन भाई। कवों को सपरस करे आनंद में राखत कंठ लगाई, और ये ही चरण हमारे मस्तिक अब डर करत बलाए। लड़े ती जू ही लड़ लीजू, आपके चरण महासुखदाई। मानुषी तन तम तरन को ये बड़ो लाछी। जो मनुष्य जन्म है ये भवसागर से संसार सागर से दुखालयम अशाश्वतम, जो अशाश्वत है दुख का आलय है, इससे पार होने के लिए जन्म मरण के फंदा से पार होने के लिए मिला है, न कि और फंदा बना लें। मानुषी तन तम तरन को यह बड़ो लहा। तम अंधकार से उजाला की तरफ जाने के लिए ये मनुष्य जन्म है। असंख्य जो योनियां हैं, अधम योनि कीड़ा मकोड़ा हाथी घोड़ा बिच्छू कातर चूहा बिल्ली, देखो कैसे कैसे बेचारे, इन योनियों में जाना पड़ता है। अगर इस मनुष्य जन्म से खिलवाड़ किया तो इस मनुष्य जन्म से, मनुष्य जन्म अगर भजन नहीं किया, हरि बिन कूकर सूकर हुए हों, हरि का भजन नहीं करेंगे तो निश्चित कुत्ता गधा सूहर चूहा बिल्ली बनना ही पड़ेगा, बनना पड़ेगा। कोई रोक नहीं सकता है, कोई रिश्वतखोरी भी नहीं चलेगी, बनना पड़ेगा। मानुषी तन तम तरन को, अंधकार से पार होने के लिए मनुष्य जन्म है। महापुरुष कहते हैं 84 लाख का एक घेरा है, मान लीजिए एक बहुत बड़ा परकोटा, उसमें 84 लाख दरवाजे हैं। अब मनुष्य चला धीरे 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 चला प्राणी, अब हर दरवाजा बंद है, अंधा मनुष्य है, टटोल टटोल के चल रहा है दरवाजों को। एक दरवाजा खुला है केवल पार निकलने के लिए, सब दरवाजे बंद हैं और अंधा वैसे है, चल रहा है टटोल टटोल के। जब एक दरवाजा, 84 लाख दरवाजे हैं, उसमें एक दरवाजा खुला हुआ है पार निकलने के लिए, उस दरवाजे को जब वो दरवाजा आया तब ही खुजली चली सिर में, तो हाथ सिर पर खुजली खुजाने में लग गया और चलता रहा, दरवाजा निकल गया फिर 84 में। तो ये दरवाजा निकलने के लिए आया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए जिन परलोक सुधारा। ये मोक्ष का मार्ग, भगवत प्राप्ति का मार्ग, ये जो है ब्रह्म बोध का मार्ग, भक्ति बोध का मार्ग, रसिकता के बोध का मार्ग है ये। जो रीति जो मिल जाएगा, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। साक्षात तुम हरि स्वरूप ही हो जाओगे, हरि समझे हरि भय। होता क्या है, जब दरवाजा आया सिर में खुजली चली, खुजली को मिटाने, तो ये विषय रूपी खुजली इन विषयों में मन दे देता है। ये मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद तो इस दरवाजे में से निकलना, इस मनुष्य जन्म के द्वारा निकलना है, वो निकलना बंद होके फिर उस 84 के चक्कर में पड़ जाता है। इसलिए हमको बहुत समझना है, इस मनुष्य जन्म का एक एक क्षण बहुमूल्य है, बहुमूल्य है। नाम जप, श्वास श्वास श्रीहरदास रट प्रथा, श्वास मत खोय ना जाने या श्वास को आवन होय न होय। ये विषय रूपी खुजली जिसने समाप्त कर दी, वही महापुरुष। इससे अलग हटके वो बराबर से पार हो गया वो महापुरुष, चाहे ग्रस्त में हो चाहे वृत्तता में हो।
मानुषी तनम तम तरन को यह बड़ो लाछी। श्री बिहारी दास विश्वास गावो सुजस नामन शिव। आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारिंद जी महाराज कह रहे हैं विश्वास कर ले भाई, विश्वास से बिहारी विहरण को सुजस उनके नामन को गाओ, मेरी श्यामा मेरी लाडली मेरी राधेजू मेरी रंगीली मेरी छबीली मेरी रसीली मेरे प्यारे मेरे युगल मेरे स्वामी जू मेरे वृंदावन ये मेरे ये भाव। श्री बिहारी दास विश्वास गा बहू, विश्वास बिहारी दास विश्वास ना आयो तो काये को मूण मुड़ायो। वृक्त जनों से कह रहे हैं, वृक्त का मतलब जिन्होंने शरणागति स्वीकार की है चाहे वो ग्रस्त में ही रहते हैं, लोग तो भूले भले भूले, तुम जिन भूलो मालाधारी जो शरणागत उनके लिए विशेष कह रहे हैं, संपूर्ण संसार के लिए उपदेश करते हैं महापुरुष। तो महाराज कह रहे हैं बिहारीदास विश्वास न आयो तो कायो को मूड मुड़ायो, अरे तुम फिर शरणागत कहलाने योग्य कहाँ है, तुमको विश्वास ही नहीं हुआ इष्ट का, तुमने क्या सुना समझा, इस मनुष्य जन्म को क्यों धोखा दे रहे हो, विश्वास नहीं आया, केवल यहां की सौदा को सत्य मान रहे हो। आगे बढ़ो, श्री बिहारी दास विश्वास गाओ, विश्वास से गाओ, गाओ का बिहारी विहरण का नाम जस, ये समाज गायन है सुजस। बिहारी विहरण को जस गावत रीझे देश सर्वस्वामी, ये सर्व स्वामी जी महाराज सर्वस्व दे देते हैं रीझ के जो बिहारी विहरण का जस गाते हैं, ये पद गाते हैं, ये पद एक पद के लिए संसार में तड़पते हैं कोई पद मिल जाए, ये पद ये तो नश्वर पद हैं, ये शाश्वत ये बिहारी विहरण से मिलाने वाले पद हैं, इनमें थोड़ा भी मन जाता है समाज गायन में चिंतन में मनन में पाठ में भाव से निष्ठा से हृदय से नाम जप में तो सनाथ कर देते हैं, परम वस्तु प्राप्त हो जाती है। स्वामी जी महाराज।